दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग पर। मैं हूँ धीरज, एक बार फिर हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम आए हैं नरवर की सबसे खूबसूरत जगह, खूबसूरत स्थान। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुंदर झरना झर रहा है। हम आपको ले चल रहे हैं नरवर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश, ये छोटा ताल, छोटे ताल के नाम से जाना जाता है। और आपको दिखाएंगे इधर पीछे, पीछे भी अच्छा नज़ारा है और इतना सुंदर दृश्य है। आपको आगे इधर देखो, इधर दिखा ना, ये झरना चल रहा है, उसके पास झरना चल रहा है सामने, इसके पास हम आपको ले चलेंगे। और पीछे काफ़ी पहाड़ है, काफ़ी हरियाली है, चलती हैं देखती हैं, ले चल रहे हैं आपको। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य यहाँ का, पीछे इसमें पानी पानी भरा है, बहुत ही इधर से पूरी चारों तरफ से हरियाली हरियाली है। देखो कितना सुंदर पानी, सुंदर दृश्य, और ये झरना चल रहा है इधर आपको पास से इसका भ्रमण करा रहे हैं, हम पास ले चल रहे हैं आपको। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लगातार लाते रहते हैं। सबसे पहले वीडियो हमारे पास मिलती है, बहुत ही आपको आवाज़ आ रही होगी, कितना बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य। देखो कितना प्यारा झरना झर रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ बिल्कुल बहुत सुंदर बना हुआ है नज़ारा यहाँ का बहुत। और आगे देख रहे हैं आपको कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है आपका। कभी बाहर भी चल रही है और नरवर की सबसे चर्चित और खूबसूरत दृश्य है, और काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और उधर आपको पार्क में ले चल रहे हैं, पार्क है उधर ताल है, और छोटा ताल के नाम से जाना जाता है, तो देखने बहुत ही सुंदर है। और इधर पार्क बनी है और सामने सामने को किला बना है, और इधर किला बना हुआ है, किला बना हुआ है, देखने बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और हम आपको ले चल रहे हैं ऊपर पार्क के, पार्क में ले जा रहे हैं आपको। इसमें काफ़ी मुलायम मुलायम जगह हुई है, अच्छी गजरी बड़ी हुई है, तो पार्क में ले चलेंगे अब यहाँ से हम आपको। पार्क में यहाँ से थोड़ा से शॉर्टकट से आ गए हैं, जबकि रास्ता तो काफ़ी अच्छी रास्ता है यहाँ पर, बहुत ही पार्क ही हम रास्ता पर, यहाँ बहुत ही अच्छी रास्ता बनी हुई है यहाँ पर। ये करेरा लोड़ी नाके से यहाँ पर रास्ता है, और करेरा के लिए, करेरा और नरवर की जो मार्ग पड़ता है वही है रास्ते में, छोटा ताल के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही सुंदर, काफ़ी सैलानी यहाँ पर घूमते हुए, काफ़ी पर्यटक यहाँ घूम रहे हैं और यहाँ बैठे भी हुए हैं, काफ़ी दर्शक आए हैं यहाँ पर, फोर व्हीलरों से आए थे, तो सब फोर व्हीलर अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं सब। पहले आपको बाहर से दिखाएं, चचा भी आए हैं, देखो पूरी फैमिली के साथ आए हैं, और मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ठीक है, आगे ले चलते हैं और आगे दिखाते हैं। गेट लगा हुआ देखो, घूमने वाला, घूमने वाला गेट लगा हुआ, अभी यहाँ से हम घूम कर जाएंगे, ऐसे घूमते हैं, घूमते निकलते हैं। हम अंदर प्रवेश कर गए हैं पूरी तरह से, और देख लें आप यहाँ से भी नज़ारा, देख रहे हैं कितना पूरी बाउंड्री लाइन तक ना, बाउंड्री पूरे इतना पूरा भर चुका है, पूरा पानी पानी है, और पूरी अच्छी से दिखाएं हम तुमको। काफ़ी घूमने के लिए आए हैं यहाँ पर पर्यटक, यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अरे सर 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 सर, बहुत बढ़िया है सर, और सर जी बढ़िया लगा है घूमने के लिए, अरे सर जी आए थे तो अभी आएंगे, अच्छा दृश्य यहाँ पर।
नहीं वो क्या है मैं चला गया था चलो यार अब नीचे से दिखाएंगे आपको बहुत ही अच्छा कहेंगे शाम का वक्त हो गया है बहुत ही कलकल कर बहुत ही काफ़ी अच्छा झरना झर रहा है बहुत ही मस्त तो यहाँ खड़े थे यहाँ से जो पानी आ रहा है सामने कैमरा करके हम दिखा रहे हैं बाहर से देखो ये पानी चल रहा है यहाँ पे झरना चल रहा है और ये कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे पानी जल चल रहा है और ये पुल बना हुआ है इसमें लोहे का पुल बनाया है काफ़ी सुंदर मंदिर यहाँ काफ़ी अच्छी है गाड़ी की पार्किंग मार्किंग की सभी व्यवस्था है यहाँ पर धर्मशाला भी बनी हुई है यहाँ पानी वगैरह आ जाता है बरसात हो जाती है तो रुकने के लिए व्यवस्था है यहाँ पर काफ़ी पर्यटक यहाँ पर घूमते हुए घूम रहे हैं यहाँ पर और अंदर से आपको दिखा दें कितना इसे जाली वगैरह लगी हुई यहाँ से कि अंदर गिरे ना इसमें पानी पानी है महाराज घूम रहे हैं महाराज जैसे नेताजी खड़े हुए हैं नेताजी नेताजी भी आए हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पर घूमने में और आनंद ले रहे हैं नीचे से भी आनंद ले झरना का क्या हो गया पहले और तो आगे ये पुल बना हुआ है देखो ये पुल बना हुआ है इसमें बहुत ही और यहाँ से पानी जा रहा है देखो यहाँ से तो सामने पानी ये पुल के यहाँ से पानी जा रहा है कितना सुंदर दृश्य है और काफ़ी पानी बढ़ गया है यहाँ पर बहुत ही ये लोहे का पुल बना हुआ है यहाँ पार्क बना हुआ है बहुत ही सुंदर काफ़ी अच्छी हरियाली हो गई है अभी बरसात के टाइम में तो काफ़ी घूमने के लिए ये राम काफ़ी पर्यटक है यहाँ से भी आपको दिखाएं पूरा सुंदर नज़ारा है यहाँ का एक गेट इधर से लगा है एक इधर से भी लगा है यहाँ से भी आपको दिखाएं गेट फिर अंदर अभी ये पहाड़ी यार देखो अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई बच्चों ने काफी अच्छा भरा हुआ है क्या हो यहाँ बात और क्या ब्लॉग बनाने के लिए काफी अच्छा पानी इसमें ज्यादा बच चुका है इसमें जीने वगैरह बनी हुई थी यहाँ पर आगे सब बंद हो गए जीने इसमें कुछ यार देख लें आप पूरा सामने पहाड़ बना हुआ है और जी भरा हुआ पूरा डैम काफ़ी सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आए आपको अंदर ले चलेंगे आप छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर अच्छी हरियाली है देखो अच्छा पार्क बना हुआ है पूरा पार्क कवरेज कर रहे हैं पूरा पार्क दिखाएंगे आपको बहुत ही सुंदर बरसात के मौसम का तो आनंद उठाने के लिए सभी आते हैं और यदि आप नर्वर पता रहे तो एक बार इस पार्क में जरूर आएँ छोटे ताल के नाम से जाना जाता है इसको यहाँ से भी हम आपको दिखाएँ काफ़ी जाली लगी हुई है यहाँ पर कोई ज़्यादा वो नहीं कर सकता तो यहाँ से पार्क बहुत ही सुंदर
नज़ारा है, हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे। इतनी चीज़ कुछ भी छूटेगी नहीं यहाँ। अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अच्छा दृश्य। मानो अब थोड़ी थोड़ी बारिश होने प्रारंभ हो गई है, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है ये रास्ता। ये इसकी अभी कटिंग वगैरह चल रही है, कटिंग कर दी है और पानी आ रहा है, तो हल्की चल रहे हैं पर पानी आ चुका है। काफ़ी सैलानी घूम रहे हैं यहाँ पर, बहुत के लिए आए हैं यहाँ पर। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हरियाली, बरसात होने ऊपर वाले ऊपर से बरसात हो रही है, यहाँ कटिंग वगैरह सब हो गई है। यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं, तो हमको तो बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जगह कैसी लगी है आपको। अब हम अंदर ले चलेंगे आपको पार्क के अंदर, फिर देखते हैं क्या कितना अच्छा पेड़ लगा हुआ है इधर। यहाँ से दिखाएंगे आपको, बहुत ही सुंदर नज़ारा। हल्की हल्की बारिश प्रारंभ हो चुकी है, यहाँ से देखो हल्की हल्की बारिश। काफ़ी लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, तो बारिश का कुछ सभी आनंद लोग उठाने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बस सर जी भी आए हैं, सेल्फी ले रहे हैं हमारे सर जी। नमस्कार सर जी, आए हैं सेल्फी ले रहे हैं। सर कैसा लग रहा है यहाँ पर? बढ़िया लग रहा है घूमने का। सभी नाली नदी नाले उफान पे हैं दोस्तों, बरस गया है। देखो अभी कितनी हरियाली, सभी इधर इधर अस्त व्यस्त हो गए हैं, सभी घूम रहे थे पूरे देखकर। पानी बरस गया तो देखो यहाँ अपने कितने लोग हैं यहाँ पर, रुक रहे हैं, बैठे हैं, पानी बरस रहा है। बारिश का आनंद ले रहे हैं, हम मोबाइल को भी आनंद दे रहे हैं। इधर सभी जी जरूर है वो भगवान। कितना सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य और बहुत ही सुंदर नज़ारा। नरवर में काफ़ी सुंदर सुंदर स्थान है, पर्यटक स्थल हैं, जगह हैं सुंदर सुंदर, तो वहाँ काफ़ी बहुत ही मन को प्रसन्न कर देने वाली आकृति बनती है यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर छवि। और यहाँ पर वो सबसे सुंदर झरना बनाया है नरवर वैश्य अपने दिमाग से, तो ये भी काफ़ी अच्छा बहुत ही सुंदर झरना है। और पार्क भी काफ़ी अच्छा बनवा दिया है, और देखो यहाँ पर यहाँ से देखा यहाँ पर, यहाँ से भी झरना इधर से चल रहा है, ये झरना इधर से चल रहा है, यहाँ से जा रहा हो पानी, ये पूरी उधर से ऊपर से पानी आ रहा है। तो ये पहले ये झरना तो ज़्यादा रहा था, और मैंने वैसे आज सभी घूमने के लिए इधर आ रहे हैं, देख दर्शक उनके लिए भी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। और इसमें भी मछली वाले मछली पकड़ रहे हैं, अभी तो मछली लगा है फिर भी, तो काफ़ी सुंदर दृश्य है। आशा करूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगना चाहिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे पता है क्या करना है आपको, मेहनत और कमेंट करके जरूर बता दें।
दोस्तों अब आगे हम चल रहे हैं इसी में पार्क में, और एक बाउंड्री पर एक छोर पर भगवान भोलेनाथ की एक मूर्ति स्थापित है। बहुत ही सुंदर छवि, बहुत ही सुंदर छवि है उसकी। हम भी चल रहे हैं, बहुत ही यहाँ पर, यहाँ से भी नज़ारा देख लें कितना विशाल, बहुत ही पानी भरा हुआ है इसमें पार्क में। और देख लो ये बनी हुई है यहाँ पर भूमि पूजन, मान्य रुस्तम सिंह आए थे यहाँ पर, रुस्तम सिंह जी आए थे तो उन्होंने भूमि पूजन किया था इसका। और मनोज महेश्वरी जी हैं, उन्होंने इसको बनवाने में अपना दिमाग चलाया और काम किया, बहुत ही अच्छा कार्य किया उन्होंने, मनोज महेश्वरी जी, उनको बहुत दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर एक आपको पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, और इस इधर सामने ये शिवपुरी वाला मार्ग है, ठीक है, और ये पहाड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं। अब पानी एक तरह से पूरी तरह से रुक गया पानी, बहुत ही मस्त नज़ारा, एकदम मन एकदम प्रसन्न हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है ये। भोले बाबा जी हैं, तो इनके हम दर्शन कराएं आपको। देखो यहाँ पर ये भोले बाबा जी, ये यशो राय सिंधिया जी की स्थापना करवाने के लिए यहाँ पर आ रही थी, ये भोले बाबा हैं। काफ़ी सुंदर मनमोहक दृश्य है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। हम वैसे तो कभी ऊपर गए नहीं हैं, हम ऊपर लेकर चलेंगे आपको ऊपर। ये भोलेनाथ, हम भोले बाबा के यहाँ आ गए हैं, बिल्कुल ये भोले बाबा जी खड़े हुए हैं। इसमें काफ़ी चोई जमी हुई है, इसमें गिरने की काफ़ी संभावना रहती है। देखो मेरे पैर फिसल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से पूरा ताल दिखता है, ये भगवान भोलेनाथ जी खड़े हुए हैं। भगवान भोलेनाथ जी खड़े हुए हैं तो यहाँ चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इसमें चोई जमी हुई है। ताल भोलेनाथ जी यहाँ से भी खड़े हुए हैं, चार पास से भोलेनाथ को देख लें। कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, भगवान भोलेनाथ जी खड़े हैं, काफी सुंदर झांकी है उनकी, भगवान भोलेनाथ जी। स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी, ये झरना अच्छा लगा हो, एक ताल अच्छा लगा हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियो लाते रहते हैं। और यदि जो कुछ मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अंत तक देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।